अमूमन असा सालेहीन का तर्जमा औलियाए किराम ही करने हैं, लेकिन हर ईमान वाला जिहड़ा है उसनू साले होना चाहिए है। हर ईमान वाले नू साले होना चाहिए है। अल्लाह ताला ने जदों भी ईमान वालियां दा जिक्र किया है तो नाल आमाले सालिया दा जिक्र किया है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। किसी भी मकाम ते कुरान पाक ते पढ़ लो, ईमान तो बाद जो आमाल दा आवेगा तो आमाले सालिया दा जिक्र होगा। तो यानी कि अगर असी ये फर्क बना लीए कि नहीं सालेहीन सिर्फ वली ने, असा सालेहीन नहीं बन सकते, तो ये भी साड़ी गलत फहमी है। अल्लाह चाहता है कि हर ईमान वाला ही साले होवे, हर ईमान वाला ही साले आमाल करने वाला होवे। आमाले सालिहा कहते हैं कि आमाल कीता है सिर्फ अल्लाह दे वास्ते, नेकी कीती है सिर्फ अल्लाह दे वास्ते, और नेकी है ही वो जिहड़ी अल्लाह वास्ते कीती जाए। तो अगर ईमान लियाउण तो बाद भी वो आमाल ना कर सके कि जेड़े करने चाहिए सन, तो फिर भी इंसान कामयाब नहीं होया। फरमाइन आमनू वामिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, कि वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लियाउण तो बाद नेक अमाल किए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। सूरह तीन विच खलके कायनात ने फरमाया कि लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लियाउण तो बाद फिर नेक अमाल किए, अल्लाह उन्होंने बगैर हिसाब तो अजर अता करेगा, उन्हों का अजर फलहुम अजरुन गैरु ममनून। गैर ममनून का मायना है कि उनकी कोई गिनती शुमार नहीं, अल्लाह बेहिसाब अता करेगा। तो यह भी ईमान वालों की शान है। और सूरह असर में खालके कायनात ने फरमाया वल असरी इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। फरमाया कि बेशक इंसान घाटे में है, लेकिन वो नहीं जिसने ईमान लिया और ईमान लियाउण तो बाद नेक अमाल करता रहा और हक ते चलण दा हुक्म देता रहा और सबर ते चलण दा हुक्म देता रहा। तो इस जगह ते भी जो ईमान है, यानी कि मोमिन की शान है कि वो साले होवे। अगर ईमान लाने तो बाद भी सालेहीन में शामिल नहीं होया तो कोशिश करनी चाहिए कि साढ़े जिहड़े आमाल ने वो खालस हो जाण, क्योंकि निजात इसते विच ही है। आमाले सालेहा तो इलावा जो निजात है वो नहीं है। और हर मोमिन नू साले होना चाहिए है कि अल्लाह ताला यह चाहता है कि हर ईमान वाला जिहड़ा है वो साले होवे। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लियाउण तो बाद नेक अमाल किए, फरमाया यही वो लोग ने जेड़े खैरुल बरिया अच्छे गरोह वाले ने। फरमाया व मन ताबा व आमना व आमिला आमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लियाउण तो बाद जिन्होंने मन ताबा तौबा की, तौबा करने तो बाद फिर नेक अमाल किए, तो अल्लाह ताला उन्होंने ये इनाम अता करेगा कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उन्होंने गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। तो जिहड़े गुनाहों को नेकियों में तब्दील करना है, ये भी नेक अमाल ने करना है।